लोकसभा चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बीच गठबंधन होने की संभावनाओं पर बड़ा पेच फंसता दिखाई पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में दोनों दलों के बीच कोई गठबंधन न होने से समाजवादी पार्टी नाराज है और उसके नेता अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस नेतृत्व को यह तय करना है कि इंडिया गठबंधन यानी INDIA गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होगा या प्रदेश के स्तर पर। उन्होंने कहा कि यदि मध्य प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी के लिए कोई सीट नहीं छोड़ती है तो उसे लोकसभा चुनाव में यूपी में गठबंधन की बात भूल जानी चाहिए, यानी लोकसभा चुनाव में दोनों दलों के बीच गठबंधन पर ग्रहण लग गया है। वहीं कांग्रेस के नेता भी समाजवादी पार्टी के सामने झुकना नहीं चाहते। पार्टी के नेताओं का यह मानना है कि कर्नाटक हिमाचल प्रदेश में मिली जीत के बाद कांग्रेस इस समय मजबूत स्थिति में है। इस समय चल रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कम से कम 4 राज्यों में उसकी सरकार बन सकती है। कांग्रेस के नेताओं का यह भी मानना है कि इन चुनावों के बाद पार्टी की राष्ट्रीय स्थिति जो है वो मजबूत दिखाई पड़ेगी और राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मजबूत नेता के तौर पर उभर सकते हैं, ऐसा पार्टी का मानना है। पार्टी को इसका सीधा लाभ लोकसभा चुनाव में होगा या नहीं, यह आने वाला वक्त बताएगा। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं का यह अनुमान है कि पार्टी को एक बार फिर मजबूती से खड़ा करने के लिए यह बिल्कुल सही समय है और अपने दम पर आगे बढ़ाने का समय है। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का साथ लेने से उससे लाभ भी होगा और नुकसान भी, इस पर पार्टी नेताओं की राय बटी हुई है। ज्यादातर नेता ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी की जिस तरह नकारात्मक छवि बनी हुई है उसे देखते हुए कांग्रेस को उसके साथ जाना गठबंधन में सही नहीं है। कांग्रेस के एक नेता ने अमर उजाला से बातचीत में कहा कि पहले भी पार्टी ने समाजवादी पार्टी से यूपी विधानसभा में गठबंधन किया था, परिणाम हुआ कि पार्टी केवल 7 सीटों पर सिमट गई। समाजवादी पार्टी को नकारात्मक प्रदर्शन और आपराधिक छवि के नेताओं के साथ दिखने का समाजवादी पार्टी का बोझ कांग्रेस पर भारी पड़ रहा है। इन नेताओं का यह मानना भी है कि यदि पार्टी अपने दम पर लड़ लेती तो वो ज्यादा बेहतर कर पाती। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विकल्प को सत्ता में लाने के लिए मुस्लिम मतदाताओं ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी का साथ दिया, लेकिन इसके बाद भी सपा बीजेपी को टक्कर देने में असफल रही। इसका कारण यही रहा कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के शासन में हुई आपराधिक घटनाओं को मुद्दा बनाया और जनता को सुरक्षा देने का वादा किया। ये मुद्दा चल गया और समाजवादी पार्टी समाज के बड़े हिस्से के समर्थन के बाद भी कोई कमाल नहीं कर सकी। कांग्रेस नेताओं को ऐसा लगता है कि सपा अभी अपनी उस छवि से बाहर नहीं निकल पाई है और उसके साथ गठबंधन में जाने से नुकसान भी होगा। 2022 में बीजेपी के सामने एक विकल्प के लिए मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी का साथ भी दिया था, लेकिन उन्होंने पाया कि इसके बाद भी सपा बीजेपी को रोक पाने में असफल रही। इस कारण उनमें सपा को लेकर संदेह बढ़ा है। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और राहुल गांधी ने बीजेपी से लड़ने में अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता का ज्यादा मजबूती से प्रदर्शन किया। यही कारण है कि कर्नाटक में चली हवा आगे बढ़ रही थी और माना यह जा रहा था कि लोकसभा चुनाव में मुसलमान मतदाता मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो कांग्रेस के साथ पूरी तरह से एकजुट हो सकते हैं। पार्टी नेताओं का यह भी मानना है कि उन्हें इस अवसर का लाभ उठाकर देश में सबसे बड़े सूबे में अपने आप को मजबूत करने का मौका मिलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। यदि यूपी में दोनों दलों के बीच समझौता होता भी है तो उसे ज्यादा सीटों की दावेदारी करनी चाहिए और सपा के सामने झुककर अपना अस्तित्व दांव पर नहीं लगाना चाहिए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने अमर उजाला से कहा कि उनकी पार्टी का एक कार्यकर्ता यूपी में पार्टी को मजबूत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि पार्टी यूपी की सभी सीटों पर अपनी तैयारी कर रही है। पार्टी के लिए केंद्रीय नेतृत्व को यह तय करना है कि उसे समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जाना है या नहीं, लेकिन समझौता होने पर भी समाजवादी पार्टी को कांग्रेस के राजनीतिक कद को ध्यान में रखना चाहिए और उन्हें इस बात का भी ध्यान रहना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होने पर केवल राहुल गांधी ही मोदी के विरुद्ध एक विकल्प हो सकते हैं, ऐसा पार्टी मान रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि अखिलेश यादव बीजेपी को हराने के लिए संकल्पबद्ध हैं तो उन्हें हर उस स्थान पर कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए जहां पार्टी मजबूत है। इस बीच उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अमर उजाला से कहा कि बार बार ये सामने आ रहा है कि INDIA गठबंधन केवल लालची और अवसरवादी नेताओं का जमावड़ा है, उन्हें राष्ट्रहित से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता से हटाने के एकमात्र एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश में कहीं भी आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो पा रहा है। समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन टूट चुका है। तृणमूल कांग्रेस राहुल गांधी को जगह देने के लिए तैयार नहीं है। इससे यह साबित होता है कि अवसरवादी गठबंधन अब टूटने के कगार पर है। बहरहाल यूपी में अगर मध्य प्रदेश में अगर यूपी की तरह बात नहीं बनती है तो इसका नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ेगा, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं, क्योंकि सपा अब भी उत्तर प्रदेश में मजबूत विपक्षी पार्टी के रूप में है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि अति उत्साह में कांग्रेस अक्सर सेल्फ गोल करती हुई दिखाई पड़ी है और राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो इसका खामियाजा हो सकता हो कांग्रेस को उठाना पड़े। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।